इसलिए आज समझना जरूरी छोटी सी कोशिश है। आनंद भाई अपने इंदौर से आए हैं, नवनिर्माण मंच से हैं। स्मार्ट सिटीज को लेकर स्मार्ट सिटी के क्या परिकल्पना है आपको पता लगेगी। वैसे हमने काफी कार्यशाला में सुना भी है, तो स्मार्ट सिटी इंदौर के अंदर लागू है, वहाँ पर वहाँ के अपना अनुभव बताएंगे। शकील भाई वैसे तो मूलतः से तो बम्बई से हैं, फिर गुजरात गए, गुजरात से होके फिर दिल्ली में अभी बस्ती वालों को इन्होंने इकट्ठा करा और बड़ा एक संगठन बनाया। दिल्ली में ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिस प्रकार से बम्बई के अंदर अलग अलग आंदोलन है बस्ती वालों के, तो उन्होंने कोशिश करी कि सारे बस्तियों को इकट्ठा करके एक मंच बनाया, बस्ती सुरक्षा, बस्ती सुरक्षा बन। उनके साथ नीलेश भाई हैं, इंद्रशीष भाई हैं, वो भी बस्ती सुरक्षा मंच से दिल्ली से हैं, और नीलेश भाई उधर हैं, वो भी आएंगे। और हमारे घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन की तरफ से रचिता ताई हैं, जो ऐसी बस्ती से आई है जहाँ पर कोई बुनियादी सुविधा पानी टॉयलेट जैसा नहीं है, वहां पर औरतें बरसात के अंदर खाना नहीं खाती है, इसलिए नहीं खाना खाती है कि उनको बारिश में खुले में जाना पड़ता है और उनकी बस्ती की जमीन जो है थोड़ी दलदल वाली है, तो वो बस्ती में जाकर बारिश में अम्बुजवाड़ी से आई है, तो 20 साल से बस्ती बसी भी है, पानी नहीं है, थोड़ा उन लोगों ने संघर्ष करा तो दो पानी के बड़े टैंक ला कर रख दिए और भी कोशिश सभी कर रही है, तो इस प्रकार से बस्ती से वो आती हैं, वो बताएंगे। सुभद्रा ताई को एक अच्छा घर मिल रहा है सरकार की नजरों में, मगर फिर भी सुभद्रा ताई नहीं जाना चाह रही है, वो बताएंगे कि क्यों नहीं जाना चाह रही। तो हम मैं अपने वक्ताओं से गुजारिश करूंगा कि आप सत्र का शुरुआत करें। जिंदाबाद, जय भीम। अभी तो मैं डर रहा हूँ आप लोग को देख के, डायरी में पता नहीं क्या लिखा रहा है, उसमें बड़े बड़े लोगों को सुन रहा था, तो पर अभी आप लोग तो बहुत ज्यादा अनुभव वाले लोग हो ना, आप लोग झेल रहे हो सारी चीजों को। ये जो मुझे समझ में आया ना, ये जो बैंक आ रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आ रहा है, इसके पहले भी आते रहे और आते रहेंगे भी जितने हैं ये। तो मेरा नाम आनंद है, इंदौर यहाँ से एक रात का रास्ता है, एक रात में इंदौर पहुंच जाते हैं ट्रेन से बड़े आराम से, उस जगह से मैं आया हूँ। और इंदौर में पिछले 2 सालों में बहुत बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई है, लोगों को अपने मकानों से हटाया गया, लेकिन कई जगह पर हम बचाने में भी सफलता मिली है। वो इसलिए मिली है क्योंकि हम लोगों ने एक, मेरे पास दिल्ली के कई दोस्तों के फोन आते हैं, सॉरी माफ करना, ये लोग दिल्ली से हैं, मेरे पास दिल्ली से कई लोगों के फोन आते हैं जब बस्ती टूट जाती है ना, ये बड़े बड़े एनजीओ सुना ना, तो बड़े एनजीओ बड़े बड़ी संस्था चलाने वाले लोग, ये इनकी रिपोर्ट में डालने के लिए अंग्रेजी का शब्द होता फैक्ट फाइंडिंग, सॉरी तो इसको और सबको सॉरी। हाँ, तो ये लोग मेरे को फोन करके बोलते हैं आनंद कितनी बस्ती टूटी थी, कितने परिवार टूटे थे, कितना नुकसान हुआ, वो 2 रिपोर्ट में डालना। अब सर रिपोर्ट में डालने से क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आया, मेरे लोगों का मकान वापस मिल जाएगा क्या, या साथियों कुछ होगा, लेकिन पता नहीं उनका शायद दुकानदारी चल जाएगा। ये मेरे पास मेरा हमेशा से शिकायत रहा है, जो हर मीटिंग में मैं ये बात करता हूं। हम लोगों ने ये सोचा पिछले 5 साल में कि ये सांप निकलने के बाद लाठी पीटना उसकी लकीर पे, कुछ हासिल नहीं होगा, हमारी दुकान चलती रहेगी, हमारा काम चलता रहेगा, हमारे जैसे कुर्ते उर्ते पहन के ऐसी भाषणबाजी भी आपके बीच में करते रहेंगे, आप लोग हकाल के यहाँ पर मीटिंग में बैठा भी लिए जाओगे, हमको भी झेलोगे आप लोग। हमने सोचा कि कोई ऐसी योजना बनाना चाहिए जो बस्ती टूटने के पहले बने, ताकि बस्ती को हम बचा सकें। अंग्रेजी का शब्द मेरे को हिंदी श्वेता अगर कर सके तो होगा कि वो प्री विक्षण स्ट्रेटेजी, विस्थापन के पहले का कोई एक रणनीति बनाई जाए, ताकि बहुत हद तक हम लोगों को रोक पाए। पर उसके लिए हमको हमारा होमवर्क करना पड़ेगा, बच्चों को जो होमवर्क मिलता है सबको मिल के, किसी एक की औकात नहीं है कि आनंद कर लेगा, बिलाल भाई कर लेंगे, वो क्या आप अकेले कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं हो जाता, टेंशन नहीं, अगर ये अपन बाहर करते बस्ती में तो ये सब चलता रहता, कोई टेंशन नहीं उसका। तो हम लोगों ने ये कोशिश करा कि कुछ इस तरीके से करा, तो वो कुछ प्लानिंग है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, पता नहीं बम्बई के संदर्भ में बम्बई के लोगों के साथ वो कितनी सटीक बैठती है, दिल्ली के लोगों के साथियों के साथ तो हमेशा बात कर रहा है। जो मुझको ये समझ में आया है कि ये बैंक आया है, तो इस बैंक को लाने के पीछे भी एक तो बिलाल भाई ने बताया कि ये आता है तो ये हमारे देश पे कर्जा बढ़ता है, तो देश पे कर्जा बढ़ता है, चुकाते कौन है, पब्लिक चुकाती है, और हम लोग उसके टैक्स के रूप में दूसरी चीज के अलावा हमारी जमीनें भी दे देते हैं। असल में ये वो लोग हैं जो योजना लेकर आते हैं, और खासकर इनकी योजना में जो मेन चीज रहता है, जो खास रहता है,
वो कैसे भी करके हमारी जमीनों पर कब्जा करना, क्योंकि जमीन एक ऐसी चीज है, अगर गांव में भी आप हो शहर में भी आप हो, जिसके पास जितनी जमीन है वो उसका उतनी एक वैल्यू होती है। गांव में भी यही था ना, और जब हम गांव से आए थे शहर में तो हम कोई बेहतर जिंदगी जीने नहीं आए थे, जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि गांव से हम आए थे सिर्फ इसलिए कि हमारी रोजी रोटी चल सके। बेहतर जिंदगी तो भूल जाओ, है ना, वो बेहतर जिंदगी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हम उसके लिए आए थे। पर यहाँ पर भी पेट के लिए, सिर्फ पेट के लिए आए थे। घर हमारा दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर पेट था, लेकिन अब इतने साल से रहे, इतने साल से जब बना लिया सब कुछ करा, तो लगा कि चलो घर का भी जरूरत होगा। और हमने कहीं नाले के किनारे है, तो कहीं जैसे अम्बुजवाड़ी शायद पाइपलाइन के ऊपर है ना, वही पाइपलाइन वाली बस्ती कौन है, मैंने उसको देखा नहीं, नहीं कुछ और थी, तांसा पाइपलाइन, लेकिन जब वो जगह रहने लायक बन जाती है तो इनको लगता है कि अब आके उसको इनसे छीन दो। और वैसे मुझे लगता है कि किसी और के बंगले या किसी और के मुकाबले में, जहाँ पर एक बंगले में पांच लोग रह रहे हैं, चार रह रहे हैं, उतने बड़े बंगले के एरिया में शायद हमारे 25 परिवार, 30 परिवार, 50 परिवार रहते हैं, पर वो उस जमीन पर भी उनकी नजर रहती है। तो इनका खेल क्या है जो मेरे को समझ में आया, एक तो बिल्डिंग बना के दे रहे हैं, आपकी इतनी जगह से आपको इतनी सी जगह में डाल रहे हैं, आपका ठेला वेला आप जो भी चीज करना चाहते हैं वो सब नहीं मिलेगा, पानी आपको ऊपर से नीचे नहीं मिलेगा, ये सब आप जानते हो, मतलब मैं आपके सामने उसको रिपीट काहे को कर रहा हूं, पर ये सारी चीजें उस मल्टी के अंदर होगी। दूसरा जो खेल इनका जो बहुत समझ में आ रहा है, नेक्सस को हिंदी में क्या बोलेंगे, गठबंधन, सरकारें करती ना हमारे, असल में गठबंधन, वो गठबंधन जो मेरे को समझ में आया, आप लोगों को लगता है कि अगर वो सही है उसमें कुछ जोड़ना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, बीच में भी मेरे को टोक सकते हो, कोई यहाँ कोई क्लास व्लास नहीं है, बड़ा आराम से बात कर सकते हैं। मुझे ये लगता है सरकारी अधिकारी, नेता और ये कंपनी चलाने वाले, इन सबका गठबंधन है। ये गठबंधन की वजह से ऐसे बैंक हमारे यहाँ पर आते हैं और हमारे यहाँ काम करते हैं। इनका गठबंधन ये है कि जब ये आएगा तो सिर्फ आपकी जमीन नहीं जाएगी, बिल्डिंगें भी बनेगी, और बिल्डिंगें बनेगी उसमें कमीशन मिलेगा बहुत सारा। दूसरा ये है कि जो ये साइकिल की बात कर रही थी, ये साइकिल गोल ऐसे चलेगी, इंदौर के अंदर था जिसको वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना में G+2 बना के दिया था, नीचे दो माला ऊपर ये बना के दिया, आज 10 साल हो गए, उसके बाद वो उसको बोल रहे हैं कि ये कंडम हो गया, हमने बनाया ऐसा था कि 5 साल में कंडम हो गया, लोगों ने 5 साल और खींच लिया, उस बिल्डिंग को तोड़कर अब कह रहे हैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर आपको भेजेंगे, आपने इस जगह पे भी कब्जा करोगे जो अभी बिल्डिंग बनाया, अब जब आप वहां करोगे ना तो जो इनके गठबंधन में जो वो बिल्डर पार्टनर है उसी पार्टनर को वापिस से बिल्डिंग बनाने का काम मिलेगा। तो पैसा जो है वो शायद मैं आप ही की बात के अंदर जोड़ रहा हूँ कि वो चक्र जो है ना, इनका जो चक्र है गठबंधन का, हर 10 साल के बाद नई बिल्डिंग बनेगी, आपको यहां से उठा के वहां फेंका जाएगा। यही चीज पूरे देश में चल रही है। हम लोगों ने अभी जब कुछ कुछ अखबारों के साथ में मिलकर कुछ स्टोरियों को बाहर निकाला था ताकि सच्ची तस्वीरें पता लग जाए। स्वच्छ भारत मिशन आप सबने सुना, आपके वहां टॉयलेट बने हैं क्या? क्या मुंबई में नहीं बने? नहीं, बहुत कम बने। वहां पर टॉयलेट बना के दिए गए लोगों को, और जब सर्वे हो गया, अभी किसी को ये पता है इंदौर के बारे में? कोई कुछ जानता है छोटा मोटा? कोई आप लोगों में से कोई जानता है इंदौर के बारे में? जाके आए, अच्छा बड़वानी आप गए होंगे, एमबीए में गए होंगे तो आप तोड़ फोड़ का काम चालू था ना, उस रोड के किनारे पूरे मकान तोड़े गए वहां पर। अभी इंदौर जो है वो दूसरी बार स्वच्छ भारत मिशन में फर्स्ट आ गई, पिछले साल भी था, इस साल भी आ गया। वो सब खेल, वो खेल ये है कि मध्य प्रदेश में 4 शहरों को आपस में लड़ाते हैं, उनके अधिकारी उनके नेता सब आपस में लड़ते हैं कि कौन कितनी जमीन खाली करवाएगा, कौन कितने लोगों को हटाएगा, कितने सड़क पे से ठेले हटाए जाएंगे, और जितने जो हटाएगा वो उतना की उतना ज्यादा सफाई के अंदर फर्स्ट आएगा। तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इनमें आपस में इनमें झूठी लड़ाई चालू करी, और वो झूठी लड़ाई सिर्फ रैंक में फर्स्ट आने के लिए। उसमें ये था कि टॉयलेट, टॉयलेट के नाम पे एक मार्किंग मिल रही थी कि टॉयलेट बनेंगे, और जब टीम आएगी सर्वे करने, दिल्ली से टीम आती है सर्वे करने, आपको नंबर देती है कि आपने इतनी लैट्रिन बनाई है,
तो इसके लिए आपको इतने नंबर मिलेंगे, आपने इतने इतने कागज पन्नी बिनने वालों को आपने नौकरी दी है तो आपको इतने मार्क मिलेंगे, ऐसे करके मार्किंग होता है। इन्होंने जनवरी में टीम आने वाली थी, इन्होंने दिसंबर में टॉयलेट्स बनाए और फरवरी में तोड़ दिए। 80-90 लाख रुपए के टॉयलेट्स इन्होंने तोड़ दिए क्योंकि वो बस्ती को इनको उजाड़ना। हम लोगों ने उसी चीज को पकड़ा, उस चीज को कोशिश करी कि टॉयलेट्स की वजह से कि आपने इनके टॉयलेट्स तोड़े हैं और टॉयलेट्स के नाम पे हम इनको उलझा रहे थे, बस्ती तोड़ने के नाम पे नहीं उलझा रहे थे। ये लोग डर गए क्योंकि इनके उसमें बहुत बड़ा घपला निकल कर आ रहा था। तो हम लोगों ने उस टॉयलेट के बहाने से कई बस्तियों को बचा लिया कि आपने एक बस्ती के अंदर 50 लाख के टॉयलेट्स बनाए हैं, 30 लाख के टॉयलेट्स बनाए हैं। तो वायर के अंदर भी मैंने शायद आपसे शेयर भी किया था, तो आपकी एक मुंबई की एक पत्रकार है द वायर करके अखबार की, उन्होंने हमको सहायता भी करी, इन सब चीजों को भी छपाया। दूसरा, ये मैं बहुत लंबा नहीं खींचता क्योंकि अभी आप लोग को बात करना है, तो पता नहीं कितना मेरा आपसे मैं बात करूंगा तो कितनी सारी चीजें आपको मतलब कॉलेज में तो घर पहुंचने का भी एनजीओ। अच्छा, वो भी स्वच्छ भारत मिशन में ये एनजीओ लोग भी होते ना, ये सब कुर्ता उर्ता पहन के जो झांकी करने आते आपके बीच में, हमारे जैसे लोग, ये लोगों को भी सरकार से पैसा मिलता है कुछ कुछ सर्वे हमें करने, तो ये लोग भी बस्ती तोड़वाने आते। इंदौर में ये भी हुआ, हम लोगों ने ऐसे एनजीओ को भी आते नहीं, आप भरोसा एनजीओ पे कर लेते हो, बाद में आप फिर एनजीओ पे भरोसा भी टूट जाता है। शकील भाई या बिलाल भाई कैसे आएंगे तो आप बता दोगे अगली बार, है ना, ये हुआ है। तो क्योंकि उनको पैसा मिलता है, तो ये सारी चीज भी हुई है, वो फिर बहुत सारा उसमें चीजें हैं। मैं आपके साथ कुछ चीज बात करना चाहूंगा, एक तो यह है कि हम लोगों ने 2 साल पहले से तैयारियां शुरू करी थी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। प्रधानमंत्री आवास योजना आपके वहाँ भी है, आपके वहाँ कितना माला बना रहे हैं? ये सारे का 8 माले का है, उधर घर के सामने नाहर का 25 माले का टावर। ये इसका है, ये मुंबई का इंप्लीमेंटेशन नहीं है, मुंबई में जो प्रपोज है वो पनवेल में प्रोजेक्ट है, वो 21 माले का। ये मुंबई में है, ये हमने आज से 2-2.5 साल पहले जब हमने लिस्ट निकाली कि इंदौर में कितनी बस्तियों को और भोपाल में भी कितनी बस्तियों को ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लेंगे। देखिए, दो चीज है, इसको बोलते हैं आवास सुधार के नाम पे लाई हुई योजना। आवास सुधार मतलब आप बहुत गंदी जगह पे रह रहे हो, आपको उठा के बहुत अच्छे घर देंगे, महल देंगे। ये इस योजना का नाम अंग्रेजी में हाउसिंग रिफॉर्म्स, हमारे हाउसिंग रिफॉर्म्स आवास सुधार के नाम पे लाया जाता है, लेकिन हमारे अच्छे मकानों से हटाकर हमको वो दड़बों में, मुर्गी के दड़बों में डाल देते हैं जिसमें कबूतर के मकान होते हैं, उस तरह से डाल देते हैं जहां हमारी लाइफ पूरी तरीके से चलती नहीं। तो ये एक तो दूसरा, पहला तो ये है कि आप आवास सुधार नहीं कर रहे हो, आवास बिगाड़ कर रहे हो हमारा। इस चीज को लेकर हमने लोगों के बीच में गए और 2 साल पहले चले। फिर उसमें एक चीज और था, हमने RTI से सूचना के अधिकार के तहत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, वो मेरे नाम से नहीं देते हैं, कॉलेज के बच्चों को लगा लगा के। अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहुत फर्क है, हमारे यहाँ बहुत तगड़ा पट्टा कानून है, आपके वहां नहीं है। हमारे यहाँ हर प्राइवेट कॉलोनी जो बनती है नगर निगम से, जिसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसको 15% पहले रखना पड़ती थी, आजकल 6% हो गया है। तो उसको वो जमीन रखना पड़ती थी शहर के कमजोर वर्गों के लिए, तो वो जमीन की लिस्ट भी हमारे पास है ताकि हमको लगेगा किसी बस्ती को टूटना है तो हम बोलते हैं आप तोड़ दो, लेकिन वो कमजोर वर्गों के उसमें हमको प्लॉट दे दो क्योंकि हमको मल्टी में नहीं जाना है। और उसमें 1 रुपए के भाव से जमीन साल के हिसाब से मिलती है, यानी अगर आपको आपके यहाँ घुंटा चलता है, हमारे मतलब घुंटा में तो नहीं मालूम कैसे, घुंटा भी मेट्रोज में नहीं, मुंबई में घुंटा नहीं है, स्क्वायर फीट ही होगा, हमारे यहाँ घुंटा मेजरमेंट, हाँ मेजरमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनी बस्तियां आएंगी वो लिस्ट निकाल ली। उसके बाद में पहले फेज में, मतलब पहले चरण में और दूसरे चरण में कितनी बस्ती टूटेगी पता लगा, 60 बस्तियों को उन्होंने निपटाने का पूरा सोचा है। हम लोग रात को 11-12 बजे गए कोई डॉक्यूमेंट लेके, लोगों को लगा कि यार ये झूठ बोल रहा है, हम लोगों ने बताया कि इसमें तो नगर निगम का सील लगा हुआ है, कॉर्पोरेशन का सील लगा हुआ, हम झूठ नहीं बोल रहे, इस नंबर पर आपकी बस्ती है। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में एक सबसे बड़ा खेल था, तो शायद आप लोगों के साथ में भी होता होगा, पता नहीं मैं कितना गलत हूँ कितना सही, अगर लोन के लिए आपके पास आते हैं तो पूरी बस्ती की महिलाएं टूट पड़ती है, वो लोग लोन के नाम पे आए, सच बोला ना मैंने सही, तो लोन के नाम पे वो आया, कहा कि आपका 2.5 लाख रुपए का लोन पास हो रहा है, सब लोग भागे, कहा आप सिर्फ आपका आधार नंबर दे दो, उनको आपके साइन कराने का जरूरत नहीं होता, वो सिर्फ आधार नंबर डालते हैं और आपका मकान उनका, आपके नाम पे लोन भी हो गया।
लेकिन आपकी जमीन टूटेगी, आपको मल्टी में डालेंगे, वो जो 21 माला है या हमारे वहां 8 माला बनना है बंबई के हिसाब से 21 माला है, उसमें डालेंगे और उसमें डालने के बाद आपसे वो आपके ऊपर लोन भी चढ़ जाएगा, आपकी जमीन भी चली जाएगी। हमने लोगों को समझाया, एक तो आप आधार नंबर किसी का भी किसी को भी नहीं दोगे, आपको वो लोन के नाम पे ललचाएंगे, आपको बहुत सारे कागज दिखाएंगे। ऐसे करके हमने उस 60 बस्ती में से 59 बस्तियों को अभी तक रोक के रखा। सिर्फ एक बस्ती भूरी टेकरी का, आप सबके साथ फेसबुक पे हो तो, भूरी टेकरी को वो एक महीने पहले तोड़ पाए, वो भी जबरदस्ती तोड़ा, मतलब घुस गए पुलिस लेके सुबह 6 बजे घुस गए, कोई संभल भी नहीं पाया और उस उन मकानों को तोड़ दिया। हम लोगों ने लोगों के कई लोगों से बोला, कभी अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना जानता हो तो उसमें एक वो है BLC बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जिसमें वो 2.5 लाख या 2,65,000 का लोन देते हैं। हमने क्या करा, हम खुद टैबलेट लेके बैठ गए अपने कुछ कुछ बस्तियों में और हमने लोगों से बोला कि आपका आपके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा टूटने तो वो आपके पास पहुंचे। उसके पहले आजकल ऑनलाइन का बड़ा जबरदस्त हो गया ना, तो हमने मोदी का जो खेल था वो मोदी के ऊपर ही निपटा दिया। हमने पहले ही फॉर्म भर दिया कि हमको 2.5 लाख रुपए का लोन दे दो, हम हमारे घर की छत डाल देंगे। ऐसे करके हम लोगों ने करीबन 8,000 लोगों के फॉर्म पहले ही भर दिए, जिनके पास ये पहुंचने वाले थे, उनका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो गया। जब ये उनका आधार नंबर डालते हैं तो उनका वो लेते ही नहीं। तो ऐसी कुछ चीजें हम लोगों ने उनके साथ में पहले से करी, पर हमारी तैयारी ये थी कि हम टूटने के बाद में तैयारी नहीं करेंगे, या हमारे वहां नोटिस, जैसे बिलाल भाई भी कह रहे थे कि नोटिस आने के बाद में, मुझे लगता है कि नोटिस का इंतजार मत करो। हमें ये पता होना चाहिए अगर हम रह रहे हैं बस्तियों में तो 110% ये टूटने के लिए आज नहीं कल नहीं परसों नहीं ये आएगी जरूर, क्योंकि हमारी जमीनों पर इनकी नजरें हैं और इनको शहर को स्मार्ट बनाना। आई स्मार्ट कौन कौन होता है, स्मार्ट कैसा होता है कोई बता रहे? मैं तो नहीं, स्मार्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, स्मार्ट को क्या बोलेंगे, दूर है ना। एक स्मार्ट होता है जो अच्छा ड्रेसअप या कोई होगा, ये जैसे ये अच्छा स्मार्ट दिख रहा, मॉडर्न जैसा दिख रहा है, इसे होता है ना। और भी कोई बैठे होंगे जो बड़े स्मार्ट दिखते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, ठंडक के तालाब से हाथ फेंकेंगे तो चलो भाई अपने आई सच तो जबा कुर्ता पहन ही लेगा, मगर स्मार्ट दिखने वाला बिल्डर रहेगा, उसके दलाल रहेंगे और कोई उनको लालच लगेगा उनके हाथ के नीचे के वो गधे बोलते हैं वो गधे रहेंगे स्मार्ट। तुम्हारे हमारे जैसे तो भाई इज्जत बचाने के लिए इज्जत से कमाते हैं, तो शान से रहने के लिए तो हम तो कपड़ा तो तल भर के पहने, हमको स्मार्ट नहीं बोला जाएगा। जो गधे हमारे बस्ती में आते हैं हम पहचान जाते हैं भाई ये स्मार्ट गधे है, ये बिल्डर के दलाल है, ये बिल्डर के छोड़े कीड़े है, ये हम जान जाते हैं। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी नजर में क्या होता था, एक स्मार्ट ये होता है जो पढ़ा लिखा दिखता है, कपड़ा अपना अच्छे पहने, दाढ़ी वाड़ी अच्छी बनाई, बाल बाल अच्छा, गॉगल वगैरह गॉगल भी लगा दिया था। एक स्मार्ट ये होता है। दूसरा एक चीज अपन आई और बोलते हैं तू बहुत स्मार्ट बन रहा है, बहुत ज्यादा बोलता है, मतलब तू बहुत तू बहुत स्मार्ट बन रहा हो तो तू चालू। तो ये जो शहर बना रहे ना, जो ये इन्होंने बोला वो ये चालू शहर बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। तो कोशिश ये करी जा रही थी कि जब ये स्मार्ट सिटी चालू शहर बनाने के लिए आए, हमारा मकान तोड़ने के लिए आए, उसके पहले हम कोशिश कर लें कि कैसे भी करके हम अपना होमवर्क कर लें। बच्चे को होमवर्क करके भेजते ना कि तू रात को होमवर्क करे, टीचर तेरे सुबह पूछेगी, लेकिन उस होमवर्क में मेरा अकेले की बस की बात नहीं है, श्वेता के अकेले की बस की बात नहीं है, आपको भी उस होमवर्क में पूरी तरीके से आना होगा। देखो मैं आपसे खुली बात कर रहा हूँ, मुझे ज्यादातर लोग अपनी बस्ती के दिख रहे हैं, हम लोगों की दुकानदारी चलती है, हम किसी संस्था में नौकरी कर रहे हैं, हम उसमें कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, हमको तो हर चीज का पैसा मिलता है। आपको बताऊं मेरा ये है कि आप लोगों में होना चाहिए, श्वेता ताई आई है, आनंद आया, बिलाल आया, सालन को निचोड़ लो, इनको इतना निचोड़ लो, इनसे हर काम करवाओ, इनको बोलो तुमको ये देना पड़ेगा। काम करने लायक तो रखो, इसीलिए कभी भी नहीं, बिल्कुल ये कभी भी ये नहीं बोले, मैं ये बोल रहा हूँ कभी ये नहीं बोले कि हम इनके भरोसे क्यों रहे, मेरे भरोसे क्यों रहे, इनके भरोसे क्यों रहे। मुझे एक बात बताओ कि झेलने वाले हम, मकान हमारा टूट रहा, परेशान हम हो रहे हैं, गांव से हम शहर में आए, तो इनसे बस सीख सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कागज पत्री होती है, हम थोड़ा पढ़ते लिखते हैं, आपके पास में आप भी पढ़ लिख सकते हो, पढ़ लिख सकते हैं, मगर वो
इंग्रज सरकार का इंग्लिश का अक्षर देखो आपको जानने को आता, मराठी हिंदी पढ़ लेते हैं उसका अनुवाद करके कहाँ भी कोई भी दफ्तर में चले जाते हैं, अगर वो इंग्लिश के खिलाफ ना कैपेसिटी का भार है उसके लिए बिलाल जैसा तुम्हारा जैसे तू ये पढ़ बेटा ये देख बेटा क्या है अमिता पढ़ा लिखा बस्ती नहीं है हमारा भाई बिलाल और हमारे जैसे लोग श्वेता जैसे लोग भी है ना इनकी अंग्रेजी के भी कई शब्द को समझ नहीं पाते हैं वो तो इतने सालों से काम कर रहे हैं इसलिए वो अंदर का गणित समझ जाते हैं ऐसा ऐसा लिखा है ये बात ऐसा ऐसा है इतना तो हम मार्गदर्शन करते तो हमारी भी आंखें जरा खुल जाती है नहीं और दूसरा ये भी है ना आप अब काम धंधे में लगे हमको तो कागज ढूंढने के भी पैसे मिलते हैं हमको कागज में से कुछ निकाल मैं आपसे खुली बात कर रहा हूँ आपसे मैं खड़ी बात कर रहा हूँ कुछ बुरा नहीं है इसमें मेरे को भी मिलते हैं मेरे को भी आने का इन लोगों ने ये भाई साहब बैठे इनकी संस्था ने मेरे को फ्लाइट का टिकट दे दिया कि जाओ मुंबई जाके बकवास करना तो मेरा मेरा ये है कि हमारा तो काम चल रहा है मैं आपसे बोल रहा हूँ मैं इंदौर के मेरी बस्तियों के लोगों से बोलता हूँ दादागिरी करो हम पे हमसे बोलो कि तुमको ये काम करके देना है तुमको करके देना है वो लोग मेरे को रात को 11:30 बजे भी फोन करते थे अभी इतवार को मेरे को सुबह 8 बजे बुला लिया क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाला था 23 तारीख को इंदौर अभी 23 तारीख को आ रहा है और वो इनाम देगा कि आपको आप शहर स्वच्छता में दूसरी बार फर्स्ट आए हो तो आपको इनाम दिया जाएगा उन्होंने मेरे को बस्ती वालों ने सुबह 8 बजे बुलाया और मुझे पता लगा कि वहां पर बीजेपी का नगर अध्यक्ष आने वाला है उनसे बात करने और वो 6,000 लोगों का बस्ती को टूटने का लिस्ट में मैंने उनसे बोला कि सबसे अच्छा टाइम है प्रधानमंत्री आने वाला है और जनवरी में चुनाव भी अगर इस चुनाव के पहले हम लोगों ने इनकी गर्दन मरोड़ दी तो ठीक है वरना अगर ये साले ऐसे घुटना रख के चलेंगे हम पे कि 5 साल तक हमारा गला जो हम छुड़ा नहीं पाएंगे इनसे तो मैंने उनसे बोला ये तुमको बुलाने के लिए आ रहा है इसमें प्रधानमंत्री की सभा में सुबह 8 बजे उन्होंने मुझे आदेश दिया मैं चले गया सुबह 8 बजे उनके वहां पहुंचा मैंने उनसे बोला ये दोपहर में जब नगर अध्यक्ष आपको आएगा और आपसे बोलेगा वहां चलना है तो आप उससे एक ही बात करना कि हमको लिखित में चाहिए कि ये हमारी बस्ती नहीं टूटे क्योंकि क्या होता है हम लोग बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं किसी बड़े नेता पर वो बोलता मैं हूं ना क्यों चिंता करना नहीं टूटेगा और जब हम फोन लगाते हैं जब बुलडोजर हमारे में आता है वो साले फोन करके बैठ जाते हैं और हमारी बात का जवाब तक नहीं देते तो हमने उनसे बोला आप इससे लिखवाओ और अगर ये लिख के नहीं दे तो आप 4-5 महिलाएं और बच्चों को बोलना सबके पास आजकल बड़ा फोन होता है सबके पास होता है आप एक काम करो कि वीडियो लेना शुरू कर देना ये जितना बकवास कर रहा बकबक कर रहा है वो वीडियो में तो आ जाए अगर इसने लिखा नहीं तो ये चीज हम लोगों ने बहुत सारी जगह है तो ये जो आज आया था इतवार को पिछले इतवार को संडे के दिन उसका इन्होंने पूरा शूट कर लिया हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी बस्ती को टूटने के की गुंजाइश तक वो नहीं पहुंचे उसके पहले बहुत सारी कोशिशें कर ली जाए चाहे वो कानूनी कागज की बात हो चाहे वो कोर्ट में कुछ डालने की बात हो या फिर लोगों को इकट्ठा करने की बात हो लोगों के बीच जाने की बात हो ये सारी चीजें हम लोगों के साथ में लेकिन हमारी कोशिश बस ये है हम टूटने के बाद केस नहीं लगाए हम नोटिस का इंतजार नहीं करें हम नोटिस के पहले सारी चीजें कर रहे अभी बहुत सारी बातें पर मुझे लग रहा है कि नींद भी आ रही है सुबह से जेल में मुझे स्मार्ट सिटीज के बारे में और बताओ दो तीन तरह के प्रकल्प जो है ये आपकी जानकारी के लिए भी होने चाहिए कि ये जो इन्होंने लिखा है स्मार्ट सिटीज इंदौर एक स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी के प्रति तीन तरह की चीजें उन लोगों ने करना चाहे एक प्रकल्प जो है ऐसा हो जो पूरे शहर के लिए लागू हो ऐसा प्रकल्प यूजुअली ये प्रकल्प इस तरह का होता है जैसे नाशिक ने किया है नाशिक ने एक ऐप बना लिया है हाँ जो आपके कंप्यूटर आपके मोबाइल पे आता है ना वो ऐप उसमें आप देख सकते हैं बर्थ रजिस्ट्रेशन डेथ रजिस्ट्रेशन वगैरह जिसका कोई बहुत महत्व नहीं है ऐसा एक पूरे शहर को लागू पड़े ऐसा एक प्रोजेक्ट है और बाकी सारा जो डेवलपमेंट होता है वो एरिया बेस्ड है उसके तरीके 3-4 हैं उसके ऊपर ना जाए मुझे इनसे पूछना था कि ये एरिया बेस्ड मतलब एक शहर का कोई इलाका ले लिया है उन्होंने और उसमें वो अलग अलग प्रकल्प को वहाँ पे बना के देख रहे हैं क्योंकि स्मार्ट सिटीज में इतने पैसे नहीं हैं कि वो ये प्रकल्प जो है पूरी शहर में लागू कर सके ऐसा उनका बोलना है ये उस इलाके में भी वो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है कि नहीं वो दूसरा बात है हा? तो मुझे पूछना है कि इंदौर में इस तरह की कौन सी बातें इंदौर में और ये जो हाउसिंग का है ये स्मार्ट सिटीज से कैसे रिलेट रिले
रिलेटेड है क्योंकि हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स इफेक्ट है, इम्पैक्ट है उसका, लेकिन डायरेक्टली वो प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तहत नहीं। देखिए ये है कि श्वेता जो बोल रही है, मैं वो जवाब दे रहा हूँ आपको। 2.7 किलोमीटर एरिया को इन्होंने एक शहर का एक हार्ट है राजबाड़ा, उसको इन लोगों ने उसमें करा है, बाकी के शहर को इन्होंने उसके साथ में जोड़ा, लेकिन जो मेन फोकस है वो है 1200 करोड़ का कुछ इनका है, 1200 करोड़ के आसपास का इनका है रेट्रो फिटिंग और वो ज्यादा जो आप बोल रहे हो ना प्रकल्प, वो 3-4 है जिसके तहत वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें बताऊं, इसमें सबसे पहले स्मार्ट सिटी की जो भेंट चढ़ी है वो एक सीपी शेखर नगर करके बस्ती थी, वहां पर ये स्मार्ट अर्बन गार्डन, इसमें आप देखेंगे तो दिख भी जाएगा आपको, उसमें उन्होंने स्मार्ट गार्डन करके कुछ लिखा है, वो गार्डन बनाने के लिए उस बस्ती को तोड़ा गया, लेकिन अभी तक वो वहां पर गार्डन नहीं बना पाए क्योंकि हम लोगों ने उसमें केस लगा दिया और रोक दिया, क्योंकि एनजीटी हरित न्यायाधिकरण ऐसा कुछ होता है, जहां पर जहां नदियां हैं, जहां पर कुछ गार्ड जैसे आपके संजय गांधी नेशनल पार्क का बहुत चलता है ये सब है, तो वहां पर एक नया कोरिडोर बनाया है, वो कोरिड है वो एनजीटी, तो उस एनजीटी के मार्फत एक बस्ती को तोड़ा गया, सबसे पहले एक बस्ती गई, उसके बाद में एविक्शन बहुत सारे और भी हुए, लेकिन वो मध्यम वर्गीय लोग या जिनके पास पैसा था उनके मकान में, जो आप फोन गया था गए थे ना, आपने जो मकान देखे ना वो बड़े लोगों के मकान टूटे थे। और श्वेता इसको स्मार्ट सिटी के साथ में प्रोजेक्ट ऐसे लिंक है क्योंकि शहर से जिन लोगों को हटाया जा रहा है, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो या वो गरीब, शब्द तो अच्छा नहीं होता, मजदूर वर्ग से हो, है ना, गरीब शब्द अच्छा नहीं है, तो मजदूर वर्ग से हो, इन सबको उठाकर इन लोगों ने उसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ में लिंक किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ में, कि अगर आपको शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर, इसके साथ मास्टर प्लान को भी लिंक किया है, एक शहर का आपके यहाँ का मास्टर प्लान कौन सा है मुझे नहीं मालूम, मुंबई का, तो उस प्लान के साथ में उन्होंने लिंक किया कि इस प्लान में इतनी सड़क बनना थी, यहाँ पर गार्डन बनना थे, उसको उन्होंने स्मार्ट सिटी के साथ में भी डाल दिया, स्मार्ट सिटी के साथ में भी डाल दिया, और फिर इन्हीं को लेकर उन्होंने पूरी तरीके से हटाकर क्या करा कि वो जो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में तो आप डालेंगे, इसके पहले बीएसयूपी करके मकान होते थे, शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाएं, सीधा साध हिंदी में मूलभूत सुविधाओं के तहत वो मकान बनाए गए थे, उसमें शिफ्ट किया था। श्वेता शायद आप यही, इसके अलावा कुछ और नहीं, उनको मतलब ये बताना कि ये लगता है अलग अलग प्रकल्प, लेकिन इसमें सब में जो है बहुत जो इंदौर में है, इंदौर में जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट जो बता रहे कि जो छोटे से एरिया में जो डेवलपमेंट है उनका पैर, बहुत सारे प्रकल्प जैसे बता रही थी श्वेता कि स्मार्ट सिटी में बहुत सारे प्रकल्प है, रेट्रोफिटिंग है, पैन सिटी डेवलपमेंट है, तो इंदौर पैन सिटी में है लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया बेस्ड है, उसमें पैसा दिया गया है कि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए इतना पैसा। अब जब उसका पूरा सर्वे किया गया है तो उसमें 28 स्लम आया है इंदौर में, उस पर्टिकुलर एरिया में, पूरे इंदौर का बात नहीं, जहां पे स्मार्ट सिटी बन रहा है वहां पे 28 स्लम, पूरा उस एरिया का पॉपुलेशन है 113,000 गवर्नमेंट का रिपोर्ट के हिसाब से। नहीं, उन्होंने 28 स्लम्स उन्होंने गलत आइडेंटिफाई भी किया, गलत जानबूझ करके उसको स्लम शो किया है। मैं आपसे और भी कुछ बोल देता हूँ, मध्य प्रदेश का एक नगर निगम का कानून है, कोई 1968 कुछ का कुछ कानून है, जिसके अंदर एक कोई धारा है उसमें लिखा हुआ है कि जब नगर निगम किसी से जमीन लेगा, कॉरपोरेशन किसी से जमीन लेगा, तो कॉरपोरेशन तय करेगा कि वो उसको मुआवजे में क्या दे। जबकि अभी एक कानून आया है जिसके अंदर भूमि अधिग्रहण कानून, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में आपको 2 गुना पैसा मिलेगा गाइडलाइन के हिसाब से, ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना। लेकिन मेरी एक बड़े वकील आपके मुंबई के, जो आजकल विस्थापित होकर दिल्ली में है, कोलिन गोंजाल्विस, मैंने उनसे भी बात करी, तो उसमें यह है कि अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा श्वेता कि सुप्रीम कोर्ट तक में वो कैसे केस हम लोग कैसे हार गए। उन्होंने अच्छे भले जिनके मकान थे 2-3 करोड़ के मुस्लिम समाज के बड़े अच्छे मकान थे, उन मकानों को भी तोड़ के उन्होंने इसमें शो करा है कि स्मार्ट सिटी में ये जो अफेक्टेड है, वो जानबूझ करके अपने शब्दों को वहां पर चेंज कर देते हैं, और 2 करोड़ के मकान वालों को वो 2.5 लाख का मकान जो बीएसयूपी के थे वो उसमें डाले गए। तो ये जो आप बस्ती का बोल रहे हो, और कुछ बस्तियां हैं जो एनजीटी के दायरे में, जो ये नदी नाला जो होता है ना, नाला होता है, नदी तो रही नहीं, पर उस नदी के किनारे वो आ रहे हैं, तो ऐसी कुछ बस्तियां हैं
तो छोटे छोटे पॉकेट्स में बसी है वो स्मार्ट सिटी में। हाँ, ये जो इंदौर का एरिया पे डेवलपमेंट हो रहा है वो एक नाला के साइड साइड में ही हो रहा है। अब वो आप अभी अगर उस नाले को देखेंगे ना तो, और उनका जो प्रोजेक्टेड है कि अब उसको कैसे स्मार्ट सिटी में बनाएगा, उन लोग पूरे नाले को एक नदी के हिसाब से चेंज करेंगे। तो आप ये सोचिए कि जो नाला इतना पॉल्यूटेड, आप बस पूरी नाले के बीच बीच में, मतलब ये तो फैक्ट है, बॉम्बे में रहिए, दिल्ली में रहिए, इंदौर में रहिए, नाले के साइड में ही सारे बस्तियां बसी हुई हैं आज के समय। तो गवर्नमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से तो 28 स्लम है उनके सर्वे के हिसाब से। भुवनेश्वर में जो प्रपोजल है स्मार्ट सिटी का, वहां उनका जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है उसमें 35% स्लम नहीं, 35% पॉपुलेशन स्लम में रहती है। अब ये तो गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, अब गवर्नमेंट का रिपोर्ट कितना रिलायबल है आप लोगों को ही पता है। इम्फाल मणिपुर में तो स्लम फ्री बता दिया गया, उसको स्लम फ्री सिटी है कि वहां पे तो गरीब लोग रहते ही नहीं है। मतलब ये और अच्छा दूसरी बात ये है कि जो श्वेता बोल रही थी कि हाउसिंग से कैसे जोड़ा जा रहा है, इसको हाउसिंग से कैसे देखें। अब ये जो शब्द आता है अफोर्डेबल हाउसिंग, आप सारे प्रपोजल को उठा के देखेंगे एक शब्द यूज होता है अफोर्डेबल, वो जो हमारी जो किफायती दर। अब अफोर्डेबल हाउसिंग 30 लाख का भी हो सकता है, 40 लाख का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। उसमें EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या लोअर इनकम ग्रुप हाउसिंग ऐसा नहीं दिखाया गया कितना, जितने घर तोड़े। अभी 25 लाख का तुमने डिफाइन किया, अभी करा है। हाँ, कि 25 लाख लिमिट तक किफायती हाउस में, किफायती घरों में देखा जाए, जो हायर मिडिल क्लास लोग रहते भी है ना, मतलब जो कमा भी रहे 50,000 रुपए महीना भी कमा रहे हैं, 40 लाख रुपए का लोन लीजिएगा ना तो आपका सैलरी चला जाएगा एक तरह से पूरा पूरा बैंक से। तो अगर उसको अफोर्डेबल हाउसिंग आप लेंगे, अगर तो ये डिफरेंस है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग और EWS LIG में कितना। दूसरी बात ये कि अब क्या है, अच्छा मैं थोड़ा सेशन खींच रहा हूँ क्योंकि मेरा मेरे को एक चीज और बड़ा बुरा लग रहा था कि मैं दो दिन से सोच रहा था जो आपको आपकी सामान्य भाषा में समझा, मतलब आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूँ। एक दूसरा यह है कि मेरे पास में अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली से एक बड़ा प्रोफेसर है कोई रिटायर्ड, वो आया मुझसे बोला कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने लाख मकान बनना थे, ये कम बने हैं, तो अब ये कम क्यों बने, सरकार से बोलो कि इतने पूरे बनना चाहिए, एक उन्होंने वो बोला। दूसरा मेरे से एक और साथी आए थे जिन्होंने बोला कि इन्होंने 100 स्मार्ट सिटीज की बात करी थी, ढंग से एक भी नहीं बनी। ये दो चीजों जैसे बहुत सारी चीजें हैं, एक तरफ ये जो वर्कशॉप चल रहा है, ये जो हुआ ना जो आज सुबह आप लोग बैठे थे, मीना भाई को सुना, शक्तिमान दादा को सुना और भी बहुत सारे लोगों को सुना, ये बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी जिसके अंदर ये सब बड़े बड़े चीजें बनती है, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट इस देश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आएगा तो हमारी जमीनें जाएगी। एक तरफ आप इन सारे प्रोजेक्ट के लिए शुरू में बोल रहे हो कि ये नहीं आना चाहिए, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो पता है, ऐसे ही कुछ कॉलेज के प्रोफेसर या कोई रिटायर्ड आदमी जिसको अपनी दुकान चलाना है, वो ये बोल रहे हैं कि ये टारगेट पूरा क्यों नहीं हुआ। जब तुम्हारी नजर में वो बुरा है, स्मार्ट सिटी बुरी है, तो तुम सरकार से क्यों बोल रहे हो कि स्मार्ट सिटी बनना चाहिए और कम बनी। तो ये दो चीजें जो हम दो अलग अलग मुंह से बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बोल रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, इसके आने से बहुत सारी गड़बड़ियां होंगी, और दूसरी तरफ हम क्या बोल रहे हैं कि अभी तक पूरा स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, ये अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने मकान नहीं बना पाए, ये नहीं कर पाए, इनके पास इतना बजट था इन्होंने पूरा पैसा नहीं खर्च करा। अरे भैया अगर ये स्मार्ट सिटी 100 बनाते ना तो न जाने कितनी हमारी मजदूर बस्तियां टूट जाती, कम से कम इनका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हमारी बस्तियां तो बच गई। तो हम क्यों भाग रहे हैं वो हंटर लेके अपने आप को ही पिटवाने के लिए, ये सवाल मेरे को लगातार आ रहा था कि हम दो मुंह बातें कर रहे हैं। एक साथी ने मेरे से बोला कि नहीं हम ये चाहते हैं कि जो योजना है वो सही बने, सही तो योजना है नहीं, वो दिशा उन्होंने तय करके रखी, दशा हमारी खराब हो जाए, ये बिल्कुल इसमें तय है। कोई सी भी योजना आ जाए आप ये मान के चलो कि वो दिखाने के लिए हमारे अच्छे के लिए है, लेकिन उसके पीछे की मंशा उनकी खराब है। तो ये सवाल है मेरा, पता नहीं श्वेता इज ऑल्सो, पता श्वेता भी बैठी है, कुछ कुछ और लोग बैठे हैं जो मेरे को लग रहा है लिखने पढ़ने वाले हैं, तो मेरा थोड़ा सा ज्ञान वर्धन करना इस बात को लेकर, यानी मैं भी सीखना चाहता हूँ कि एक तरफ हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट और ये सारी परियोजनाएं नहीं है, और दूसरी तरफ हम ये बोल रहे हैं कि तुम इस परियोजना को पूरा नहीं कर पाए,
तो हम कहना क्या चाहते हैं, मेरी बात समझ में ही नहीं, तो ये क्यों बोलना चाहते हैं मेरे समझ में नहीं आता। मैं भी ये सवाल आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ ताकि मैं तो कोई जवाब दे इसका। अभी कोई और बड़ा सीनियर कोई रिसर्चर यहाँ बैठा नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये सारी योजनाएं जब आती है ना तो एक बड़ा शोधकर्ता, एक कोई रिटायर्ड प्रोफेसर, एक अच्छा सरकारी में नौकरी करने वाला, एक नेता, इन सबको अपनी दुकान चलाने के लिए गठबंधन करते हैं और ऐसा प्रोजेक्ट आके हमारे विकास के नाम पर डालते हैं जबकि हमारा विनाश होता है, विकास नहीं। थैंक यू। इससे पहले इंद्रशिष्ट बोले, मैं जान रहा था कि नीलेश कुछ जो बस्ती सुरक्षा मंच है जो दिल्ली में काम करती है, जिस तरह आप लोग घर बनाओ घर बचाओ आंदोलन की बात के जरिए काम करते हैं बॉम्बे में, तो उस तरह से बस्ती सुरक्षा मंच काम करता है जो कम से कम आज की तारीख में 30 बस्तियों में दिल्ली में काम करता है, तो उसके बारे में वो कार्य करता है उसके नीलेश वो थोड़ा बताएंगे, फिर बाद में हम जो स्मार्ट सिटी का क्या स्वरूप है वो फिर ये बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश है और मैं दिल्ली से बस्ती सुरक्षा मंत्री। जब हम आवास की बात करते हैं उसके लिए ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि पहले जो वक्ता थे उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया है ना, और उसके लिए कई मिशन बनते हैं, कई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं कि मतलब आवास के अधिकार के लिए लोगों को विस्थापन ना किया जाए, उनका उनके घरों को ना तोड़ा जाए। तो उसको शॉर्ट में लेते हुए मैं कन्फर्म करता हूँ कि हमने फिर ऐसा सोचा कि बहुत लोग और बहुत सी संस्थाएं ऐसा काम कर रहे हैं तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज बनाई जाए, क्योंकि उनका कोई एक बाउंडेशन ना हो, वो संस्था का एक, एक मतलब एक बाउंडेशन होती है कि हमें इसी दायरे में काम करना है, हमें इन लोगों से बात करनी है, हम इन बस्तियों के लिए काम करिए। सपोज कोई इंदौर में काम कर रहा है तो दिल्ली में काम करने के लिए नहीं जाएगा, तो उनका एक बाउंडेशन होता है। हमने एक ओपन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है बस्ती सुरक्षा मंच के नाम से, जो कि बस्तियों में ना कि उनके आवास के लिए बल्कि उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको उनको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है, क्योंकि बस्तियां मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम बस्तियां कहते किस किस तरह की है, क्योंकि मैं दिल्ली में अभी आपको दो तरह की बस्तियों को बताऊंगा जहां पे जानवर भी नहीं रह सकते हैं, इंसान की तो बहुत दूर की बात है, तो किस बस्ती को हम किस नजरिए से देखते हैं। अभी बस्ती सुरक्षा मंच दिल्ली में 30 बस्तियों में काम कर रहा है, तो अभी मैं दो बस्ती का इंट्रोड्यूस करूंगा, एक है किदवई नगर जहां स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो किदवई नगर में लगभग 1000 घर थे और वो भी जो टेनेबल थी नाली के किनारे थे, अनटेनेबल सॉरी, तो अब वहां पे मतलब ऐसा नाला है कि अगर उसको क्रॉस करते हैं तो वहां पे पत्थर रखे हुए हैं कि आपको एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे पैर रखना पड़ेगा, और जो बस्ती भी बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा बस्ती है, मतलब मैंने कहा ना वहां पे जानवर नहीं आ सकते, तो एक हम जब बस्तियों में जाते हैं तो हम अपनी राय को ना लेते हुए मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूछते हैं, ऐसा नहीं कि बस्ती टूटेगी तो आपको मतलब रिसेटलमेंट करवा देंगे, आपको फ्लैट दिलवा देंगे, मतलब एक्चुअली वो चाहते क्या है बस्ती वाले, मूलभूत सुविधाएं वहीं पे रहना चाहते हैं, मतलब उनकी डिमांड क्या है, उस चीज को हम लोग ज्यादा गौर करते। तो उन लोगों ने जैसे कहा कि देखिए यहाँ पे इस तरह से ये समस्या है, पिछले 30 वर्षों से हम यहाँ रह रहे हैं और हमारा पुनर्वास किया जाए, तो उसके लिए ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन बस्ती सुरक्षा मंच ने कदम उठाया और वहीं पे जो लोकल लीडर्स थे क्या क्या करना चाहिए, और बस्ती सुरक्षा मंच में एक खुला प्लेटफॉर्म है, आप भी जुड़ सकते हैं, कोई भी जुड़ सकता है, बस सुरक्षा मंच हमारा भी 3 प्रदेशों में काम कर रहा है, और उसमें वही था कि उन लोगों को हम लोगों ने बताया कि कैसे कैसे क्या होगा, और उसमें जो बस सुरक्षा मंच में जो लोग जुड़े उसका एडवोकेट थे, आर्किटेक्चर्स थे, एक्टिविस्ट थे, वहाँ के स्पेशली जो लोग थे जो उनकी डिमांड थी वो जुड़े, और अभी उन लोगों का सर्वे हो गया है और बहुत ही जल्दी 2 महीने के अंदर पुनर्वास हो जाएगा। और एक बस्ती है जहाँ स्मार्ट सॉरी ब्यूटिफिकेशन के नाम से यमुना खादर ईस्ट दिल्ली में, जो कि 15 किलोमीटर की बेल्ट है और वहाँ पे सारे फार्मर्स रहते हैं, मतलब दिल्ली का फार्मिंग मतलब बहुत बड़ा जो है किसान वाला इलाका कहलाता है ईस्ट दिल्ली में यमुना खादर,
वो 11 किलोमीटर की बेल्ट है, वहां पे लगभग 1000 परिवार हैं और सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के नाम से उनका उनको तोड़ा जा रहा है और 5 गांव तोड़ दिए थे हम लोगों ने वही, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद ही जाके और वहां पे पीआईएल फाइल कर दें कोर्ट में स्टे ले लें, जब तक बस्ती वाले क्या करते, क्योंकि बस्ती वालों का यहाँ तक कि डीडीए का कहना है कि हमारा लैंड है और वो कहते हैं कि हम पिछले 100 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, उस समय तो कानून नहीं था, देश भी आजाद नहीं हुआ था, तो इनका लैंड ये कैसे हो सकता है, जबकि हमें इसका मुआवजा जो है वो नहीं मिला है और डीडीए का कहना है कि 1984 में हमने इसको मुआवजा दे दिया है। तो फिर लोगों की वही राय आई कि हम अभी मतलब इसको स्टे लिया जाए, इस केस को रोका जाए, तो उन्हीं के आधार पे हमने लोगों के ही नाम से पीआईएल फाइल किया और स्टे लिया। धन्यवाद। समय नहीं लूंगा आप लोग का, बस्ती सुरक्षा मंच के बारे में निलेश ने बहुत सारा चीज आप लोगों को बताया है। मंच बहुत सारे बने हैं, बॉम्बे में भी बने हैं, सारे मतलब पूरे भारतवर्ष में मंच बने हैं, लेकिन मंच बनते हैं और मंच बिखर जाते हैं पहली बार। तो हमारा बस्ती सुरक्षा मंच बनाने के पीछे का मकसद क्या है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना ही कि सुरक्षा मंच, क्योंकि सुरक्षा मंच खाली अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको खाली विस्थापन रोकना है। अब जैसे किदवई नगर का आप उदाहरण दिया, किदवई नगर के लोग खुद आके बोले कि हमको यहाँ नहीं रहना, हमको यहाँ पे जानवरों जैसा जिंदगी नहीं रहना, आप हमको कहीं और लेके जाए। तो बस्ती ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना ही कि हमारा हम क्या चाह रहे हैं, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एजेंडा क्या है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस्ती के लोग क्या है, हर बस्ती अपने आप में एक अलग यूनिक है। अब बस्ती का मतलब खाली ये नहीं कि वहां पे बस घर है, वहां पे लोग हैं, फैमिलीज हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे तरीके के लोग रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो बस्ती अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स, माफ करिएगा मेरी अंग्रेजी थोड़ी ज्यादा, तो हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में, लेकिन जरूरी यह है कि बस्ती, अब बस्ती में बहुत सारी चीजें, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, महिलाएं भी हैं और भी बहुत सारे माइनॉरिटीज भी हैं, हर लोगों का अपना अपना प्रॉब्लम है। अब बस्ती सुरक्षा मंच का मतलब ये नहीं कि हम खाली हाउसिंग के ऊपर काम करना, हम पूरा ओवरऑल हर ऑर्गेनाइजेशन, हर मंच, हर मूवमेंट आके सुरक्षा मंच के साथ जुड़े। आज ये ऐसे ऐसे बैंक तभी हम उनको रोक पाएंगे जब सारे मूवमेंट, सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा साइड रखें, एक साथ बस्ती के लिए, बस्ती सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तो उसी तरह किदवई नगर का एग्जांपल लिया जहाँ पे बस्ती के लोग खुद आके बोले कि हाँ हम नहीं रह सकते। अब उसी तरह यमुना खादर का आपको एग्जाम्पल देता हूँ, वहां से 1.5 किलोमीटर है जहां से मैं रहता हूँ, यमुना खादर यमुना नदी के बगल में जो पूरा फ्लड प्लेन है वहां पे लोग रहते हैं। अब वो आपको बस्ती नहीं लगेगी, वो मतलब ना वो जैसे गांव होता है ना, खेती हो रही है हर जगह, और वहां पे गोभी की खेती हो रही है, अनाज की खेती हो रही है, सब चीज दिल्ली जैसे शहर के बीचों बीच खेती हो रही है, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। आज मतलब मैं जहां से आ रहा हूँ दिल्ली, सांस लेने के लिए भी बहुत बुरा हाल है, वहां पे आप सांस नहीं ले सकते। आप पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर में कि दिल्ली कितना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। आज अगर दिल्ली में खेती हो रही है, अगर हरियाली छा रही है वहां पे, उनको बोला जा रहा है कि वो प्रदूषण कर रहे हैं, ये नहीं बोला जा रहा है कि वहां पे जो 2 किलोमीटर दूर जो फैक्ट्री है जो अपना पूरा एफ्लुएंट छोड़ रही है उसको बंद किया जाए। तो ये पीछे पूरा एक विजन था बस्ती सुरक्षा मंच बनाने के ऊपर। अब आता हूं मैं स्मार्ट सिटीज के ऊपर, लेकिन हाँ अब बस्ती सुरक्षा मंच अभी हम शुरू किए हैं, ये हम आपको बोले कि ये पता नहीं कितना मतलब इसका क्या होने वाला है आगे फ्यूचर में, ये मंच टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी, लेकिन कोशिश पूर्ण है। 30 बस्तियों में भी हम काम कर रहे हैं, आप लोग भी आइए, सब हर जगह जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी को लेकर अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी में आप लोगों को परेशान इसलिए होना चाहिए क्योंकि स्मार्ट सिटी, अब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं पहले,
लेकिन स्मार्ट सिटी अपने आप में इतना यूनिक इसलिए है क्योंकि वहां का जो पूरा ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, मतलब जो चला रही है स्मार्ट सिटी जिस पर, अब जैसे मान लीजिए साउथ कोरिया इन्वेस्ट कर रहा है बॉम्बे में, कहां पे? कल्याण और डोंबिवली में, कल्याण और डोंबिवली में स्मार्ट सिटी आ रहा है। अब कल्याण और डोंबिवली का जो स्मार्ट सिटी है जो वहां पे, वो कौन उसका डिसीजन कौन लेगा, उसका फाइनेंसिंग का डिसीजन कौन लेगा, सब चीज, तो वो एक बॉडी बना रहे, एक एक डायरेक्टर्स का बॉडी बनेगा जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के लोग रहेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग रहेंगे, प्राइवेट जो पैसा डाल रहे हैं वो भी रहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इसको इन लोग नाम दिया है स्पेशल पर्पस व्हीकल। अभी स्पेशल पर्पस व्हीकल और एक जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो आपका क्या बोलते हैं इसको, वार्ड लेवल पे जो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसमें क्या विधायक हुआ, पार्षद हुआ, आप लोग वोट देते हैं ना उन लोग, आप लोग चुन के आते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक कंपनी है, एक लिमिटेड कंपनी है। आपको डरना इसलिए चाहिए क्योंकि आप वोट देके इनको नहीं सिलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल में आपको सोचना पड़े कि अच्छा स्पेशल पर्पस व्हीकल तो काम कर नहीं रही है, अब हम वोट किसको दें? सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ वोट दें, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ वोट दें, या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो पार्टी चल रही है उसके खिलाफ वोट दें? ये सबसे बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी का आज के समय। पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सबसे पहली बात। दूसरी बात, आज ही मैं एक अपने वकील दोस्त से बात कर रहा था, आप लोगों को पता चला होगा अगर आप लोग थोड़ा न्यूज अगर पढ़ रहे होंगे, जो केंद्र की सरकार है वो पार्लियामेंट में अभी इलेक्टोरल बॉन्ड लाई, बोली कि इलेक्टोरल हम एक नया पॉलिटिकल फंडिंग, कैसे राजनीति दलों को कैसे करके पैसा देना चाहिए, उसके लिए हम एक नया कानून ला रहे हैं, एक नया तरीका ला रहे जिसमें पारदर्शिता होगी। अब ये पारदर्शिता कैसे होगी? इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में उन्होंने ये बोला कि कोई भी लिमिटेड कंपनी जिसका केवाईसी हुआ है, अभी मैं थोड़ा सा टेक्निकल में जा रहा हूँ, कोई भी लिमिटेड कंपनी जो थोड़ा, अब इसमें एक तरह से बोला जा सकता है कि एसपीवी एक कंपनी है जिसका डायरेक्टर अगर चाहे तो पार्टी को भी डोनेट कर सकता है पैसा। अब इसमें जो प्राइवेट प्लेयर है, जो कंसल्टेंट है, उसका भी पैसा जा सकता है, वो भी अपना इंटरेस्ट ये कर सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट हो रहा है, तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट एक एरिया में 10 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। आज जैसे मान लीजिए एक हाईवे का प्रोजेक्ट है तो हम हाईवे के प्रोजेक्ट को जाके रोक सकते हैं, लेकिन एरिया में आप 10 प्रोजेक्ट्स के लिए 10 बार आप रोक नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आप लोग को सोचना पड़ेगा कि कैसे कर सकते। तो अभी आप लोग ने इंदौर की बात सुनी, दिल्ली की बात सुनी, स्मार्ट सिटी के बारे में सुना, अभी आप चाहते हैं कि बॉम्बे के बारे में बात हो। बॉम्बे में जो चल रहा है कि क्या, कितनी दुनिया टूट रही है, किस तरह टूट रही है, तो जो जो स्पीकर है ताई तू ही है। नेहा कौन ये बॉम्बे सगळ्यांना जिंदाबाद। मराठी भी बोलू या हिंदी भी बोलू? मैं अंबजवाड़ी मालार मालवनी से आई हूँ, और हमारे बस्ती तो ऐसी जगह है कि जहाँ पर बोलते हैं, अभी आप लोगों ने कहा कि दिल्ली वालों ने कहा कि हवा भी नहीं, पानी भी नहीं ले सकते, वैसी जगह हमारी भी थी। एक वक्त था कि हम ऐसे दलदल में थे कि वहां पर कोई आग परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, ऐसी दलदल में हम रहते थे। आज वो बड़ी मेहनत के बाद वो अच्छी बनी है, बहुत संघर्ष करने के बाद।
एक वक्त था कि हमको पानी लेने के लिए हम कोसों दूर जाते थे, कोसों दूर भरना पड़ता था पानी हंडा लेके, बच्चे हमारे गिर पड़ते थे, बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता था। जब भी बच्चे स्कूल जाते थे तो उनको पहले पानी वो खाना हो, खाना नहीं मिलता था ढंग से पानी लेने के लिए, और खाना खाए तो किस तरह से खाए, क्योंकि शौचालय के लिए हमको जंगल में जाना पड़ता था, और जंगल ऐसे कि 4 महीना बारिश का हमको हम लोगों को इतने दलदल रहती है कि वहां पर कि बहुत दलदल में अगर घुस जाओ तो बच्चा भी अटक जाए, और वहां से निकलने के लिए भी हम लोगों को आधार नहीं था, ऐसी जगह थी। लेकिन उस जगह में आज भी वो जगह ऐसी है कि फिर भी हम समय सरकार उस जगह में ना शौचालय दे रही है, ना पानी दे रही है, ना लाइट, तो कैसे कैसे करके लाइट भी आ गई, लाइट बहुत संघर्ष करने के बाद उस जगह बस्ती में लाइट आई है, और अभी पानी भी आने वाला है। पानी भी हम लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत के बाद संघर्ष किया, तब जाके अभी कुछ टैंकर बीएमसी ने मंगाए, हमारे बस्ती ने मंगाए, जबकि अभी थोड़ा सा टैंकर के चल रहा है, फिर भी आधे लोग जा रहे पानी के लिए दूर, और शौचालय तो वैसे ही नहीं बना, आधा बना है, आधा तो काम चालू पड़ा है, और आधा अभी बीएमसी दे नहीं रही है, और पानी का तो संघर्ष चालू है। लेकिन अभी भी अगर बस्ती हमारी बोल रहे कि इनलीगल है, हमारी बस्ती इनलीगल है, तो हमारी बस्ती में लीगल बस्ती नहीं है, तो फिर सरकार राशन कार्ड क्यों बनाती है? क्यों हमारे बस्ती को राशन कार्ड दे रही है? क्यों हमारे होटल्स बन रहे हैं? ये मुद्दा उठता है। जब जब होटल्स बनता है, राशन कार्ड बनता है, सब आधार कार्ड बनता है, सब तो सरकारी है ना, ये सरकारी चीजें है, तो सरकार हमको देती क्यों है फिर? और ये सब देने के बावजूद हमारा घर तोड़ती है और बोलती कि इनलीगल हो, तो ये इनलीगल हम है। और ऊपर से जब सोसाइटियां बनती है, सोसाइटियां तो चैरिटी कमिश्नर ही देते हैं ना, जो कि बीएमसी होती है, बीएमसी के अंडर में होता है सोसाइटी, तो वो सोसाइटी हम जब बनाते हैं तो सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन क्यों करती है? तो सोसाइटी को भी रजिस्ट्रेशन नहीं देना चाहिए। अगर हम इनलीगल है तो सोसाइटी भी रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, हमारे वोटर्स भी नहीं होने चाहिए, और हमारा राशन कार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों को पहला फुसला कर ये सब बना दिया जाता है, और फिर बाद में हम लोग इनलीगल होते हैं। और जब वोट उनके वोटर्स के दिखाते हैं तो वो लीगल होते हैं, हम लीगल होते हैं, और वो लीगल होते हैं कि हमारे सामने हाथ फैला के जो हम शुरू से लीगल होते हैं वो अपने हिसाब से सबको इलीगल बनाते हैं। तो ऐसी हमारी बस्ती है कि जहाँ पर कुछ भी नहीं है, और कुछ है भी और कुछ नहीं भी है, इस तरह की हमारी बस्ती है। लेकिन लोग फिर भी हमने बहुत 30 दिन का 35 दिन का संघर्ष करके आजाद मैदान में डटे रहे उस तरह से, और जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह किया था उस तरह का नमक पानी का सत्याग्रह भी हमने अपने अम्बोज वाले में किया। ताई आप लोग वहाँ रहना तो चाहते हैं ना, पर वहीं हम अभी भी डटे हैं और ना ही हिलेंगे। पर आप कह रहे हैं बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारा ऐसा है, और आज भी हम वहीं पर रहे हैं, पर आपको रहना वहीं पसंद है ना? वहीं पर रहना पसंद है, हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कितने भी अच्छे मकान हो, हमें वही चाहिए जगह, हम वो जगह छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। ताई थोड़ा ये घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के बारे में, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन से तो हम उन्हीं के वजह से आज हम उस बस्ती पे बसे, इसके बारे में बता दूंगा क्योंकि हम उनको ज्यादा पता नहीं। हम मैं 2004 से हम घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन से जुड़े हैं, और 2004 से आज तक जो भी घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन से मिला है वो आज बहुत गर्व महसूस करती हूँ मैं, कि आज मैं एक ऐसी महिला थी, मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, ऐसा मुझे पढ़ी लिखी होकर भी, आज मैं 12th तक पढ़ी हूँ लेकिन मुझे कानून पता नहीं था, इस तरह का मुझसे मेरे साथ बेहेव होता था घर में। लेकिन जब घर बचाओ आंदोलन से जुड़ी मैं, और उनके साथ जुड़ के घर बचाओ आंदोलन से जुड़ के मुझे कानून मालूम पड़ा कि कानून क्या होता है, अपना घर का अधिकार क्या होता है, महिलाओं का हक क्या होता है,
ये सब मुझे पता चला तब मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, अपने अधिकार छीन के ले सकती हूँ सरकार से। इस तरह से घर बचाओ आंदोलन ने मुझे बहुत बल दिया, ताकत दी, दिमाग दिया। मैं दाता ये पार्ट करके बचा थे। आज भी मैं घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन की बहुत बारी रहूंगी और जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। जिंदाबाद। जिंदाबाद साथियों। मैं चांदोली गांव की रहवासी हूँ। नाम मेरा नाम सुभद्रा केदार है। 2008 से सुमेर बिल्डर हमारे पीछे लगा है। 2008 से बिल्डर पीछे लगा है। कभी पुलिस हमारा गांव चांदोली गांव था। पहला चांदोली गांव एक आदिवासी पाड़े जैसा गांव था। आज ऐसा बस्ती बन गया है। 25-25 माले का टावर हमारे घर के सामने खड़े है। बिल्डर पुलिस लाता, पुलिस कभी देखा नहीं, कभी पुलिस चौकी गया नहीं, तो डर लगता पुलिस को देख के घर में छुप जाते। आके नोटिस चिपका के जाता है, दो पुलिस घर के सामने लेके आता है। डेपुटी के जो प्रतिनिधि रहते हैं, दो पुलिस लेके आते नोटिस लगा के जाते। पुलिस को देख के हम लोग घर पे छुप जाते, डर लगा पुलिस का। भाई एक नोटिस आया घर में रख लिया, दूसरा आया घर में रख लिया, तीसरी बार तो बुलडोजर लेके हमारे घर पे आ गए। बुलडोजर लेके आ गया, जगह खाली करो। बोला भाई क्यों जगह खाली करें, हम क्या चोर है? 1970 से मेरा ये घर में वास्तव्य है, मैं क्यों घर चोर? आज चांदोली गांव चांदोली तालुका बन गया। 2008 में आके भाई बगल की बस्ती हमारे गांव बोलेगा तो गांव में एक को मैयत होएगा तो पूरा गांव जाता है ना। सुख दुख अगर होएगा, शादी भी होएगा गांव में, तो पूरा गांव जमा होके जाता है ना। ऐसा हमारा चांदोली गांव था। वो बाजू का बस्ती में बुलडोजर लेके आया, गांगुर्डे डेप्यूटी कलेक्टर था 2008 में। भाई बस्ती तोड़ने को पुलिस का गाड़ी आया, पूरा बस्ती भागा देखने को। बस्ती पूरा भागा तो गए हम लोग घर भीर तोड़ के, सब राशन पानी इधर उधर, घबराहट हो गई हम लोग को। बिल्डर के आदमी लोग ने पुलिस लगा के हमको पुलिस की गाड़ी में बिठा के पुलिस स्टेशन में बंद कर। कभी पुलिस स्टेशन देखा नहीं, पुलिस देखा नहीं। 12 दिन का रिमांड निकाल दिया हम लोग को। एक नसीब अच्छा था भाई, कोई नेता का आदमी हमारे साथ में भी जेल में बंद था, तो 48 घंटा हम लोग को रख के उन्हें पैसा भर के पुलिस काउंसलर खड़ा करके हम लोग को 2 दिन में छुड़ा दिया। अभी 2 दिन पुलिस स्टेशन में रहा तो हमको थोड़ी हिम्मत आ गई। भाई पुलिस स्टेशन में हम तो चोरी किया नहीं, कुछ नहीं, फिर भी हमको बंद कर दिया। फिर ऐसा ही एक औरत बाजार में जाते जाते मिली, तुम लोग मेघा पाठ करके उधर क्यों नहीं जाते, गरीब की दाता है वो पैसा खाने वाली नहीं। फिर मैं बोला भाई उसका घर देखा नहीं, उसको हम देखा नहीं, बोलता है एड्रेस पता मैं निकाल के दूंगी। वो एड्रेस पता लाए तब आमदार नसीम खान था, उसके पास गए हम लोग। साहब हमारा घर तोड़ दिया, तुम्हारा घर तोड़ दिया तो क्या मैं बना दूं घर? बोला अच्छी बात है। फिर मेघा पाटकर का हमको एड्रेस मिला, मेघा ताई का हमको फोन नंबर दिया। फोन नंबर लेके हम दादर हाफिस पहुंचे। हमारा नसीब भी अच्छा, फोन लगाते ताई हमको मिली। हमारा सब दुख ताई के सामने हम लोग रोया। ये बच्चा बैठा है, उसकी चाची भी आई थी मेरे साथ में। रोया धोया हमारा घरदार सब तोड़ दे रहा है, पुलिस लोग से डर लगता है। संदीप येवले बिवले इनको माधुरी शिविलकर था, उनको सब भेजा। फिर आंदोलन में आने जाने लगे। फिर वापस 2012 में वापस पुलिस आई तो हमको डर लगा नहीं। अभी जो हम
हमारी जगह पे बैठा है ये घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन की बदौलत है। आंदोलन अगर हमारा साथ नहीं रहता था तो आज वो जगह पे हम बैठ नहीं पाते। जो भी सीख हमको मिली है घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन से, हमारे आंदोलन के साथीदार से, जो हौसला बढ़ा है, जैसा अभी भाई साहब बोले भाई हम तो घर में रहते हैं नोटिस लग जाती मगर गिदौड़ों की नजर हमारे जगह पे रहती है। तो हम भी 2008 से देखो बिल्डर से टक्कर दे रहे, हम बोल रहे भाई हम भी ये संविधान, हम इंसान है, भारत देश के हम नागरिक है, हमको जीने का अधिकार है, मूलभूत सुविधा के साथ में हमको घर हमारी जगह में बना के देगा तो घर छोड़ेगा, नहीं तो हम जगह नहीं छोड़ेगा। भले हमारे घर के मैदान में करके खाऊंगी मैं मगर मेरी घर के सामने की जगह मैं छोड़ने वाली नहीं। वो बोलता है ये सारे में जाओ, मैं बोला मेरा जगह ये सारे में रहेगा तो मैं ये सारे में जाएगा, मेरा जगह पे तू अभी 16-17 माले का टावर बनाने का रिपोर्ट मेरे को दे दिया। मेघा ताई ने रिपोर्ट मांगा था भाई तुम ये जगह खाली कर रहा है, नोटिस दिया तो ये जगह पे क्या बना रहा है। आज भी वो मेरे थैली में रिपोर्ट है, अभी ताई को बताने के लिए गई, मेरा जगह में तू प्राइवेट टावर बना रहा है और मेरे को 225 स्क्वायर फीट का झोपड़े में जा बोलता है। मैं बोला मैं वो झोपड़े में जाऊंगी नहीं। दलाल लोग को लगा के उन्हें पैसा दे के आदमी लोग को भगा भगा करा मगर हम हिम्मत पकड़ के घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन की बदौलत से हम हमारी जगह पे आज भी बैठा है। इतना दिन हमको भी आंदोलन साथ दिया, आगे भी देगा ये आशा करके मेरा दो बात खत्म कर रहे हैं। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, साथियों जिंदाबाद। हम लोग घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन से मुंबई में जो करीब करीब 30-35 बस्तियों में काम करती है, जो बस्ती और एसआरए दोनों में काम करती है। 2004 में मुंबई के 90,000 परिवारों को ओ दीदी आवाज बंद करो रे 90,000 परिवारों को बेघर किया, कम से कम उससे भी ज्यादा। तो जब 90,000 परिवार सड़कों पे आ गए तो हम लोगों ने एक बेसहारा थे, तो धीरे धीरे हमारे नेतृत्व मिला और नेतृत्व मिलने के बाद हम लोगों ने नाम दिया घर बचाओ घर बनाओ और वहां से हमारी संघर्ष शुरू हुई। 32 दिन का हमारा पहला आंदोलन आजाद मैदान में हुआ, जिसमें हम लोगों ने जब सरकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और सरकार ने कहा कि भाई हम 1195 जो यहाँ कट ऑफ डेट का एक मामला है के इसके बाद कोई नहीं उसके बाद कोई नहीं ऐसा एक मामला है, तो पहले 1195 था अभी 2000 आया है, 2011 की बात है। तो केस हाईकोर्ट में चले और हाईकोर्ट में केस चलने के बाद वहां के जज ने कहा कि ठीक है अगर आप ये 1195 इस तरह के कट ऑफ डेट लगाते हो, जज ने कहा सरकार को फटकार लगाई, तो आप बच्चे पैदा करना छोड़ो। ये विलास राव देशमुख को बोला गया था जब उन्होंने कुछ लोगों को फिर से जो है बोले ठीक है। जब हम लोग आजाद मैदान में झोपड़ा बनाना हम लोगों ने शुरू किया तो फिर वहां से सरकार बोली कि ठीक है, कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि वेस्टर्न के लोग अम्बुजवाड़ी में रहें और सेंट्रल के लोग मंडाला में सब फिलहाल रहें जब तक सरकार इसका निर्णय लेती थी फैसला थी। तो हम लोगों को जब अपने अपने घरों में जहां जहां तार लगे थे वहां से तार तोड़ करके और सारी बस्तियों को बस्ती के जगह पे ही बैठाया गया, सभी लोगों का संघर्ष एक साथ आया और सभी लोगों को जिस जगह पे थे वहीं पे बिठाया गया। उसके बाद हमारे संघर्ष चलता रहा, उसमें बेसिक अमेनिटीज जो मूलभूत सुविधाएं नहीं थी जहां जहां वहां वहां थोड़े थोड़े हमारे संघर्ष से हम लोगों ने संघर्ष किया और कुछ कुछ जगहों पे कहीं पे पानी हुआ तो बिजली नहीं है, अभी भी ये तकलीफें तो है, कहीं पानी है तो बिजली नहीं, कहीं बिजली है तो पानी नहीं है,
कहीं सड़कें नहीं है, कहीं रास्ते नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, इस तरह की सभी बातों पे हमारा संघर्ष चल रहा है हर रोज। बस्ती बचाने की जो बात आती है तो यहाँ पे जो कट ऑफ डेट का मामला है, ये दो मामले यहाँ पर अक्सर आते हैं। एक तो ये कि नई बस्ती है, 95 के पहले बात की है, 2000 के बाद की है, उस कारण या जो रोज घर बनते उस कारण बस्ती टूटती है तो हमें सड़कों को करनी पड़ती है। कई बस्तियों को हम लोग कई बार सारे रास्ते जब बंद होते हैं तो हमें मेन गेट जहां से इनका एड्रेस होता है उसे रोक करके वहां पे लोगों का इकट्ठा कर करके आंदोलन चलाना पड़ता है। ये एक संघर्ष हमें बम्बई में अक्सर करनी पड़ती है जहाँ बुलडोजर और पुलिस के सामने लोग खड़े होते हैं, महिलाएं पुरुष, जिसका जब हम लोग थोड़े थोड़े आगे बढ़े तो पुनर्वास के नाम पे जो 1195 और 2000 बोलते थे तो पुनर्वास के नाम पर भी इनका बड़ा बड़ा घोटाला था। जैसे बोलते हम झोपड़पट्टी सूट करके बिल्डिंग में चले जाएंगे, तो उसका था कि जब एसआरए के अंदर गए तो वहाँ मरे हुए लोगों के सिग्नेचर्स, बड़े बड़े घोटाले, सेंट्रल की जमीन पे, कहीं रेलवे की जमीन पे, कहीं डिफेंस की जमीन पे हमें बिल्डिंग बना कर दे रहे हैं, वहां से भी कलम भगाए जाएंगे। ये आंदोलन जब चलता रहा तो इसके हम लोग निकाल निकाल करके इसको बोले कि भाई ये सब चीज गलत हो रही है। तो इस तरह से ये सारे जो पुनर्वास की बातें होती थी तो उसमें भी जो घोटाले होते थे तो हमें पुनर्वास की भी जो जरूरत लोगों को थी उसके ऊपर से भरोसा उठा। दूसरा पुनर्वास अभी माहौल गांव का भी है कि जो उनको यहाँ से उठा करके ऐसी जगह पे भेजा गया जहाँ वो यहाँ से बदतर जिंदगी जी रहे। हमारा जो पहले का जो घर होता है जो हम हमारी मर्जी से बनाते हैं, जहाँ पे भी जिस झोपड़े में रहते हैं जहाँ पे रहते हैं, वो असल हमारा कहीं भी जाने के बाद वो जिंदगी खत्म इसलिए होती है कि हमारा रोजगार वहाँ पे नहीं प्रभावित हो जाता है, चाहे कहीं भी जाए। अब सब्जी बेचने वाला अगर दसवें माले पे रहता है, सर पे सब्जी लेके दसवें माले पे कैसा नीचे आएगा और कैसा सब्जी बेचेगा, वो एक बात होती है। इसलिए वो पुनर्वास हमारा, वो वैसा पुनर्वास का कोई मतलब लोगों में कोई ये नहीं है, वो ये सोचते हैं कि जहाँ पे हम हैं वहीं पे हमें सारी सुविधाएं मिल जाए और उसी चीज को कट ऑफ डेट या किसी भी नाम पे टूटने से रुके हो, टूटे नहीं। ये हमारा अहम है। हमारी जो बस्तियां भी एक तो ये बात होती है, दूसरी ये बात होती है कि वन विभाग की जगह है, ये नाम से बस्तियां थोड़ी जाती है। जैसे मैंग्रोव की जमीन पे आपने, अब मैंग्रोव की जमीन पर सिर्फ झोपड़े नहीं होते, मैंग्रोव की जमीन बड़ी बड़ी टावर्स खड़े। तो ये हम सब मिल करके और हमारे बस्ती के लोग और सभी साथी मिल करके, हमारे आंदोलन के लोग मिल करके इस चीज को निकालते हैं कि भाई आप मैंग्रोव की जमीन पे हमारे घर है उसको तो तोड़ रहे हो, लेकिन जो बिल्डिंग है उसके भी आप देखो। ये सब बातें करके हम लोग बस्तियों को बचा पाते हैं और कहीं कहीं पे नहीं बच पाती है, लेकिन ये है कि कुछ देर तक ही उनका चलता है। पूरे संघर्ष में हमारा ये कहना है कि पूरे बंबई में जो हम जो इन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वो कामगार होते हैं, मेहनतकश मजदूर होते हैं, जिनसे ही बंबई चलती है। और शहर को जो शहरी गरीब जिसे बोला जाता है वो शहरी श्रमिक है, जिनके ही वजह से पूरे शहर चलती है। और उन्हें बचाने के लिए सिर्फ बंबई नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोग, जो 93% लोग प्रभावित हैं वो पूरे देश भर में, चाहे शहर में हो गांव में हो, गांव के भी जो मजदूर होते हैं वो प्रभावित ही, जो खेती में काम करने वाले लोग होते हैं या और भी कुछ काम करने, वो भी प्रभावित होते हैं। और शहरों में जो शहर को चलाने वाले गरीब होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। इन सबको मिलकर के अगर पूरी बड़ी एक संघर्ष की जाएगी और सभी लोग एकत्रित आकर के इस पे ये करेंगे। हम जानते हैं कि ये सब जो बिल्डरों का जो मामला हमारे यहाँ आता है, ये जो ये बैंक का ये बात है, तो जो बिल्डरों का मामला आता है या किसी तरह का विकास का जो योजना आता है हमारे बीच, वो यही आता है कि भाई अब आपको हम डेवलप कर रहे हैं, वो डेवलप हमारा जो है वो विकास नहीं विनाश होता है असल बात है, और हमारा सब कुछ छिन जाता है तो फिर बोलते हैं कि आपको हमने डेवलप कर दिया। इसलिए हमारे जो भी लोग होते हैं वो जो अपना घर जो पहला घर जो बनाते हैं, चाहे शहर में आकर के या कहीं भी जाकर के, वो घर उनके रोजगार से जुड़ी होती है
और उसको टूट जाने के बाद या उसका कहीं भी शिफ्टिंग होने के बाद उनका जीवन अस्त व्यस्त हो ही जाता है। इसलिए लोगों को हमारा सबसे पहला एक ये होना चाहिए कि हम जहां हैं, हमारा एक नारा भी है कि हम जहां हैं वहीं बसाओ, इसके लिए ही कानून है। ये हमारा नारा पहले से भी चला आ रहा है कि हम जहां पे पहले से शुरू हम जहां करते हैं वहीं पे हमारी पूरी रोजगार, पूरी व्यवस्था, हमारे बच्चों का एजुकेशन सब मिला होता है। इसलिए हमारा ये जिंदाबाद। हमने अभी तीन शहर के बारे में सुना, दिल्ली, इंदौर और बम्बई का, तो और किस तरह के एक्टिविस्ट लोग हम लोग हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को लगता है कि हम सबको एक साथ मिलके काम करना चाहिए? क्योंकि अभी हम जिस तरह से काम कर रहे हैं वो इंदौर में आनंद भाई कुछ कर रहे हैं, बिलाल भाई इधर कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं, तो ये एक देशव्यापी कुछ ऐसा एक मंच बना सकते हैं और ताकि हमें एक आदान प्रदान है कि लीगल बेटर कानूनी लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं, हम लोग जमीनी स्तर की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं, तो एक दूसरे के अनुभव से सीखें, मिलते रहें 6 महीने में 3 महीने में। और ये इस पे आप लोग सहमत हो कि हमको सबको मिल के पूरे इंडिया के लेवल पे ऐसा कुछ एक बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा जिससे कि झुग्गी वासियों की सुनवाई हो और उनकी झुग्गी ना टूटे? तो आप लोग सहमत हो तो हाँ बोलो, ठीक है? चारों मिलके साथ में अगर काम करते हैं तो उसकी और ताकत, क्योंकि हमारे अलग अलग अनुभव है। हम लोग ने पिछले 2 साल में 16 बस्तियों को बचाया दिल्ली में, हाईकोर्ट से स्टे लेके मतलब कुछ और करके, मतलब बहुत सारे एक शेयरिंग होना चाहिए, एक आदान प्रदान होना चाहिए। आप लोगों का जो संघर्ष है सड़क का, उससे हम लोग को सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम अगर देशव्यापी कुछ एक मंच बनाए या कुछ एक अभियान पूरे इंडिया पे एक या पूरे भारत पे अपना प्रभाव कर सकते हैं, इसके लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग तो तैयार हो गए। हम लोग भी बात करेंगे इंदौर के साथी के साथ, दिल्ली के साथी के साथ, इसको और कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो मैं अभी बिलाल को बुलाता हूँ इसको पूरा ये करने के लिए, समाप्त करने के लिए। और हाँ, चाय वहाँ रखी है, तो जैसे समाप्त होगा हम चाय लेंगे। तो सभी वक्ताओं का शुक्रिया। कोई सवाल है आपका? जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम साक्षात शकील शेख है। मैं यहाँ पे अपने इसमें दिनचर्या में कम से कम 18 साल से रह रही हूँ। आज हमारे बच्चे 15-15, 16-16 साल के हो गए हैं। जब भी कोई मतदान होता है या कुछ होता है तो सारी सरकार जाके हमसे हाथ जोड़ के अपना वोट्स लेती है, सब कुछ लेती है, लेकिन हमें आज तक हमारी चाली में एक भी टॉयलेट नहीं मिले। जैसा आपने अभी वो ताई ने जो बोला है कि हमारे बच्चे कम खाते हैं और टॉयलेट जाने से डरते हैं या वॉशरूम जाने से डरते हैं, आज हमारे यहाँ बच्चों का तो जाने दीजिए, हमारे यहाँ जवान जवान औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो आजकल ऐसे हालात में वॉशरूम जाती है कि आप देखोगे तो अगर वो बैठती है तो उनके पैरों पे ऐसे से कीड़े रहते हैं। एक्चुअली हम तो नहीं गए हैं क्योंकि हमें नहीं पसंद ही नहीं है। हमने अपने घर में छोटा सा करके, हमारा थोड़ा झाड़ी की साइड, तो हमने 60 फुट पाइप डाल के हमने उसी में बनाया है, क्योंकि हम जिस दिन से आए हैं हम मिल गए थे, लेकिन अभी 4 दिन 8-10 दिन 11 दिन हो गया शायद, वो झोपड़ा जब टूटा था, जब हम उस जगह गए तो हमें महसूस हुआ कि इस जगह में लोग बैठ के कैसे वॉशरूम जाते हैं। तो ऐसी ऐसी हालत है। आप इतने लोग सर लोग जो अभी आपने सारी जानकारी दी है, आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमें ऐसी जानकारी और थोड़ी ज्यादा देते रहेंगे तो हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी और हमें भी पता चलेगा। हम तो कभी स्कूल गए नहीं है और हमें स्कूल का पता भी नहीं है, हम सिर्फ अपनी साइन कर रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग जो भी है थोड़ा सा हमें भी दिखाइए, बताइए, और आंदोलन और मेघाताई की वजह से तो हम लोग बैठे ही है यहाँ पे, उनका तो बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया है उनका कि वो हमारे साथ हैं, और साथ में हमारे उदय भाई भी है कि वो छोटी सी बड़ी सी चीजें हमें जानकारी बताते हैं और कोई भी चीज होने से पहले वो अलर्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन है कि काफी लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, काफी
वो गालियां भी शायद बहुत खाते हैं कि वो ऐसा कर रहा है या वो वैसा कर रहा है, लेकिन हमें वो चीजों पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमें एक अच्छा काम करना है और अच्छी चीज बनाना है। तो हमें आप लोग से यही इतना कहना कि आप लोग जो भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग ने जितने लोग ने हमारा इतना इंट्रोड्यूस किया उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। सबसे पहले सभी वक्ताओं का शुक्रिया। आज की कार्यशाला जैसे मैंने शुरुआत में बताई थी, उद्देश्य था कि ये बड़े जो चाइनीज साहूकार आ रहा है उसको किस तरीके से रोकें और उसको किस तरीके से समझें। रोकना ही मुझे लगता है इसका जवाब है, तो समझना समझने में जाएंगे तो तब तक और कर्जदार बन चुके होंगे, तो किस तरीके से रोकें। मगर ये जो राक्षस जिस तरीके से साइन शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, जितना बड़ा राक्षस है उस बड़े राक्षस के लिए उतनी बड़ी ताकत भी बननी पड़ेगी। तो जैसे शुरुआत में कोई बता रहा था घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के बारे में कि घर बचाओ ताई आई आंदोलन में सबको संगठित करा, मगर ताकत तो आप सब लोगों की वजह से ही बनी ना, सब लोग संगठित हुए। ताई के पास ऐसी कोई जादुई ताकत तो है नहीं कि ताई आएंगी फिरकी घुमाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब जब आंदोलन ताकतवर हुआ, जब जब संख्या निकली, तब तक कुछ काम हुआ। तो जितना रोल ताई का है उतना आप सब लोगों का भी है। तो हमने कोशिश थी इस कार्यशाला के जरिए समझने के हमारे घरों के नीचे की जमीन को लेकर क्या हेरा फेरी हो रही है, कौन कौन कर रहे हैं, देख कुछ हद तक लग रहा है कि आप लोगों को जिस तरीके से जवाब आए लग रहे हैं कुछ उस हद उस कोशिश में कामयाब भी हुए और आगे कोशिश को और बढ़ाएंगे। और जहाँ तक ये हमारे जो बस्ती की कार्यशालाएं होती हैं, बस्ती के जो मुद्दे होते हैं वो इतना बस्ती के अंदर रहने वाले जो लोग हैं मैं मानता हूँ वो देश के सबसे गरीब लोग, सबसे गरीब नागरिक उनको बोला जाएगा। अगर टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करें तो देश का सबसे गरीब नागरिक वहाँ रहता है और वो व्यक्ति होता है या होती है जो कहने को परेशानियों का कोई मापदंड नहीं, परेशानियां या दिक्कतें उनका कोई मापदंड नहीं। सबकी अपने अपने परेशानी होती है और सबने बहुत बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं, पर शहरों के अंदर रहने वाला जो तबका है, जो शहरी गरीब है, वो देश का सबसे गरीब नागरिक है। और वो रोज के पैमाने पर शायद हम अपने घर में टीवी भी देखते हैं बस्ती के अंदर, जिन घरों में बस टीवी है, बिजली है और थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, दो वक्त का पगार मिल जाता, दिन का पगार मिल जाता है और हमें लगता है कि लाइफ जो है सही चल रही है, मगर फिर भी बहुत कुछ झेल रहे होते हैं क्योंकि हमारे साथ अत्याचार इस प्रकार से दिखता नहीं है। पहले अंग्रेज लोग जो थे वो दिखते थे भाई गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, बाहर से हमें आके हमारे पर राज कर रहे हैं, मगर अभी तो गोरी चमड़ी वाले भी लोग चले गए, मगर अत्याचार का आलम उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। तो वो गुलामी अभी भी है मगर हम उसको लेकर वो दिखती नहीं है। तो ये सब समझने वाली बात थी। मैं थोड़ा मतलब वो कहने की बात भी नहीं, मगर थोड़ा इस बारे में भी करना चाहता हूँ कि और आज जैसे हम सब कार्यकर्ता शकील भाई, आनंद भाई, नीलेश भाई, सब लोगों ने इंद्रजीत तो सब लोगों ने हम लोग यहाँ खड़े होकर ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है, बिल्कुल भी मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी हमें टीवी पे बुलाते हैं तो लोगों के बारे मतलब लोगों के लिए बोलने के लिए बुलाते हैं, मुझे तब भी वहाँ बैठ के बड़ा अफसोस सा होता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिन जो झेल रहा है वो क्यों नहीं बोल पाते। तो मगर उसको लेकर कहीं कहीं कभी कभी ये भी मान लिया जाता है कि शायद इन लोगों का कुछ तो मकसद होगा अपना सब कुछ छोड़ के, और कहीं कहीं होता भी है कि गलत लोग आ जाते हैं लोगों का नेतृत्व करने के लिए और उनके मुद्दे को लेकर बाजारीकरण होता है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे वैसे कमाए जाते हैं। और कुछ कुछ लोग वाकई में मेरे जेब में तो शायद कल भी मुझे कहीं से 1000 रुपये मिले थे, कहीं एक जगह भाषण देने गया था मानव आयोग के अंदर, तो वो आते आते अभी तक मतलब मेरे जेब में नहीं आया, वो इसी कार्यक्रम में ही खर्च हुए हैं। जो कपड़े पहने हुए मुझे ईद पर घर पर 2 बार जाता हूँ साल में, तो मेरे घर वाले कपड़े दे देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि काम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पैसा मिल रहा है, बहुत सारे लोग बगैर उसके लिए भी काम करते हैं। तो ये सब
हम चाहते हैं कि जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना जो है अपनी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति पर निर्भर होना सबसे खतरनाक चीज है। संगठन को कमजोर मुझे लगता था, ये हम समझ में आए थे कि चाइनीज बैंक को किस तरीके से रोका जाए, अभी बात चल रही है संगठन निर्माण की, मतलब वो उस लड़ाई का हिस्सा है संगठन निर्माण। बगैर संगठन निर्माण के आप किसी भी बड़े राष्ट्र को नहीं रोक सकते। तो उम्मीद है आप सब लोगों को कुछ हमें और आपसे वक्त सीखने को मिला होगा, और फिर से कुछ ये तो 3 दिन का कार्यक्रम है हमारा, शहर के मुद्दे पर आज का कार्यक्रम यही हम समाप्त करेंगे, और भी मुद्दों को लेकर चलता रहेगा। आप में से जिन लोगों को रुचि है वो कल भी आ सकते हैं, और एक ट्रांसपोर्ट को लेकर अपने एक और कार्यशाला है, उसमें कुछ लोग हम जो समझना चाहें मैं सब लोगों को फोन करके अपने बस्ती के कार्यकर्ताओं को बोल देंगे कि जिनको भी रुचि है वो आ सकते हैं कल अपना एक और कार्यशाला है। बाकी लोग फिर अपने अपने बस्ती में जो जो संघर्ष चल रहा है उसको जारी रखें। शुक्रिया सर। चाय पी लो, चाय के साथ।